नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSEVL हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। दोस्तों, CSE ने लगभग 5000 से अधिक CSE ID को ब्लॉक कर दी है। इसके बाद CSE पुनः एक टारगेट सभी VLA को दी है और बताया है कि उस टारगेट को आपको निश्चित रूप से पूरा करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि CSE ने 5000 से अधिक CSE ID क्यों ब्लॉक कर दी और पुनः कौन सा टारगेट दी है जिसे आपको पूरा करना अति आवश्यक है, अन्यथा हो सकता है कि आपकी ID ब्लॉक कर दी जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE के पल पल की खबरें मिलती रहती है तथा जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि CSE ने पुनः कौन सा टारगेट दिया है। इसके लिए आपको ट्विटर पर आना होगा। इस टारगेट को जानने के लिए आपको ट्विटर पर आना होगा। हम लोग आ जाते हैं ट्विटर पर। यहाँ ट्विटर पर मैं आपको दिखा रहा था, दिनेश त्यागी सर ने ट्वीट किया है। यहाँ देख सकते हैं दिनेश त्यागी सर ने इसके बहुत पहले ही ट्वीट किया था, दो दिन पहले है। अटेंशन VLA, मोर देन 5000 CSE ID हैव बीन ब्लॉक्ड फॉर नॉट फॉलोइंग द PMG दिशा गाइडलाइंस। यानी इसमें बताया जा रहा है कि 5000 से अधिक CSE ID ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने PM दिशा का गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे। जैसे पंचायत डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, यानी जो भी इसका गाइडलाइन था उसका पालन नहीं कर रहे थे, इसके वजह से उनका CSE ID ब्लॉक हो गया है। तो आप ये मत माने कि केवल आप PMG दिशा में काम कर रहे थे उन्हीं का ब्लॉक हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो PMG दिशा में काम नहीं कर रहे थे और ट्रांजेक्शन कम कर रहे थे, उनकी भी ID ब्लॉक हुई है। इसके बाद भी आप PMG दिशा का तो गाइडलाइन पालन करेंगे ही करेंगे। इसके बाद एक और CSE आपको टारगेट दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जब आएंगे ऊपर आप, तो आज का एक ट्वीट है, आप यहां देख सकते हैं, आपको मिलेगा। दिनेश त्यागी सर ने ही ट्वीट किया है और आपको एक टारगेट दिया गया है, जिस टारगेट को आपको पूरा करना अनिवार्य है। और ऊपर आते हैं, देखिए यहां जब आइएगा तो दिया गया अटेंशन वैली एज पर इंस्ट्रक्शंस फॉर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ईच VLA नीड्स टू डू मिनिमम 20 रजिस्ट्रेशंस इन PM श्रम योगी मानधन योजना। यानी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको कम से कम इस नवंबर माह में, नीचे देखिए इन नवंबर मंथ, आपको इस नवंबर माह में कम से कम 20 रजिस्ट्रेशन करने हैं PM श्रम योगी मानधन योजना में। ये आपका टारगेट है कि नवंबर में कम से कम 20 को आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करना है। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि CSE VLA के साथ पता नहीं कौन सा व्यवहार कर रही है। अगर कुछ भी कोई गलती होता है तो उनकी ID सीधे ब्लॉक कर दी जा रही है। यदि यहाँ तक कि उनको कोई सूचना भी नहीं दी जाती है, ऐसे ही उनकी ID ब्लॉक कर दी जाती है। तो आप इन सारे बातों का ख्याल रखेंगे, CSE जो कहती है उस टारगेट को आप पूरा करते जाएँ, तभी आपका ID बचा रहेगा, अन्यथा आपकी ID ब्लॉक हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय VLA साथियों।